अहम खबर से आपको आगाह करें, तोशाखाना केस चेयरमैन पीटीआई की सजा मौत्सल कर दी गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मौत्सली की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। चेयरमैन पीटीआई की सजा मौत्तल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। तोशाखाना केस में 5 अगस्त के अगेंस्ट सजा मौत्तली की दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई थी, तहा अब यह फैसला सुना दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई की सजा को मौत्तल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। इस हवाले से नाज़रीन आपको बताते चलें कि इस केस की इस दरख्वास्त के ऊपर 5 समाअतें हुई थी, जिसके ऊपर ताहम यह आखिरी समाअत जो कल हुई, तमाम फरीकैन के दलाइल महफूज कर लिए गए थे, फैसला महफूज कर लिया गया था, हम अब ये फैसला सुना दिया गया है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर बलोच से। आमिर बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानब से चेयरमैन पीटीआई को बहुत बड़ा लीव मिल गया। चेयरमैन पीटीआई की सजा मौत जमानत के लिए मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने महफूज शुदा फैसला अभी सुना दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को जस्टिस तारिक महमूद जरमीन ने महफूज शुदा फैसला सुनाया है। मिनिस्टर और फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर हाईकोर्ट ने फैसला महफूज किया था। इसके अलावा जो तहरीरी हुक्मनामा है वो थोड़ी देर में उन्होंने चीफ जस्टिस से रिमार्क किया कि थोड़ी देर में आपको जो है ना तहरीरी हुक्मनामा मिल जाएगा। जी सही, ठीक है आमिर, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। इसके साथ साथ अपने नाज़रीन को दोबारा भी बताते चलें कि तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जो तोशाखाना केस के अंदर सज़ा हुई थी, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की जानिब से सज़ा मौतली की दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला ज़ेर ग़ौर रहा, ताहम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह डायरेक्शन दी गई थी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इस फैसले को देखना होगा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस दरख्वास्त को कैसे डील करती है। उसके बाद ये मामला अदालत उज़्मा में लाया जाए। हम ये फैसला कल महफूज किया गया था, 11 बजे का वक्त दिया गया था कि 11 बजे इस फैसले को सुनाया जाएगा, ताहम अभी ये फैसला सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनकी सजा को मुअत्तल कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त को मंजूर किया गया है। चेयरमैन पीटीआई की जो सज़ा है उसको सजा को मुअत्तल कर दिया गया है। अहम फैसला यह आपको सुना रहे हैं। तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की सजा मुअत्तली और सजा के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त के हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलें 23 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर हुई थीं। इस केस को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने भी सुना और फैसला दिया कि 24 अगस्त को हाई कोर्ट के पास भी ये केस ज़ेर समाअत है, जिसके बाद दिन 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हुई थी। और अपनी सजा के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से 3 बार रजू किया था। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन की जानिब से ट्रायल कोर्ट में दिसंबर 2022 में भेजा गया था। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस ट्रायल कोर्ट में इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 137, 170, 167 के तहत भिजवाते हुए कहा था कि यह अदालत शिकायत मंजूर करके इमरान खान पर करप्ट प्रैक्टिसेस का ट्रायल करे और उन्हें सेक्शन 167 और 173 के तहत सजा दे। ताहम 5 अगस्त को यह फैसला सुनाया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के अगेंस्ट इस सज़ा की मौतरी के अगेंस्ट ये फैसला अभी आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इसके अंदर मजीद इस मुख्तसर फैसले के अंदर क्या कहा गया है अपने नुमाइंदे आमिर बलोच से जान लेते हैं। आमिर बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस का फैसला सुना दिया है। चेयरमैन पीटीआई की सजा तो मुअत्तल होगी क्योंकि इसके साथ जमानत भी मंजूर होगी। तोशाखाना फौजदारी केस की चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल पर फैसला अभी 2 रुकनी बेंच ने दिया है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट चेयरमैन के रुकने में सजा मुअत्तल, जबकि इलेक्शन कमीशन ने मुखालफत कर रखी थी इसके ऊपर। चेयरमैन पीटीआई को 5 अगस्त ने 3 साल कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। चेयरमैन पीटीआई को 5 अगस्त को भी लाहौर गिरफ्तार करके अटक जेल में मुंतकिल कर दिया गया था। जी आमिर, साथ से ये बताइएगा कि कब कब और क्या क्या इस केस में होता रहा। 5 अगस्त को इनको गिरफ्तार, 5 अगस्त को उनकी गिरफ्तार करने से 5 अगस्त को सजा दी थी। इसके अलावा 8 अगस्त हाईकोर्ट में जो है ना कोर्ट के खिलाफ जो है ना अपील दायर की थी, उसके बाद हाईकोर्ट में समाअत हुई 9 को, उसके बाद 18 और इसके बाद आज जो समाअत, कल जो समाअत हुई थी उसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया था और इसके बाद आज जो है ना मौत सुना दिया गया।
सही आमिर हमें सियासत तफसीलात बता रहे हैं। आमिर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताएं कि इस तोशाखाना केस में कब और क्या हुआ। तोशाखाना केस में इमरान खान की सजा की मौतली की दरख्वास्त पर अहम फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया है। 5 अगस्त के अगेंस्ट ये सजा मौतली की दरख्वास्त दी गई थी, जहाँ पर चेयरमैन पीटीआई के अगेंस्ट ये सजा मौतली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आ गया है। और इसको आपको साथ से बताते हैं, 5 अगस्त की सजा के खिलाफ 8 अगस्त को यह अपील फाइल हुई थी, 9 अगस्त को पहली, 22 अगस्त दूसरी, 24 अगस्त तीसरी, 25 अगस्त चौथी, 28 अगस्त पांचवीं और आखिरी समाप्त हुई। तमाम यह फैसला अब यह सामने आ गया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सास टीवी मौसी रजा साहब हमारे टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं। मौसी साहब कहिएगा, फैसला आ गया है, सजा मौतल कर दी गई है, आप कैसे देखते हैं फैसले को? सजा अभी मौतल हुई है, सजा खत्म नहीं हुई अभी। इस केस के जो वेरिक पे फैसला होना है वो तो हो चुका है। सजा की मौतली का सिर्फ हुक्म जारी हुआ है और इमरान खान के खिलाफ सैफर समेत कई केसेस हैं जिसमें उनकी गिरफ्तारी मतवको है। लिहाजा अभी हमें कुछ पता नहीं है कि उनको रिहा किया जाता है तो उसके बाद उनकी दोबारा गिरफ्तारी होती है या नहीं होती, लेकिन ज्यादा इम्कान यही है कि उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सही, बहुत ज़्यादा दीगर भी जो केसेस हैं उनके अंदर भी जो है वो गिरफ्तारी मतलूब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की, मगर साथ में ये भी बताइएगा, अभी फ़िलहाल बात ये हो रही है कि सज़ा मौसल ही हुई है, मगर इसके अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये था कि ये उजलत में फैसला सुनाया गया है, इसके अंदर उस तरह कानूनी तकाजों को पूरा नहीं किया गया है, वीक पॉइंट ये हैं कि जो गवाहान उनको नहीं सुना गया है, तो आप समझते हैं कि मामला आगे जाएगा तो ये किस हद तक मामला जो है आसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, फिर मुश्किल क्रिएट हो सकती है? देखिए ये तो कानूनी पुष्टि है जो बुला अदालतों में तय करेंगे और अदालतें उस पर फैसला करेंगे, लेकिन एक बात तो दुरुस्त है कि जस्टिस जलाल हिमायूं ने जो फैसला दिया था वो तो दुरुस्त था कि इमरान खान के जो वकील थे वो टैक्स के वकील थे और उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं था उनके टैक्स के गोशवारों से या टैक्स के मामलात से। असल मामला तो तोशाखाने की चोरी का है और वो चोरी इन पे साबित हो गई थी और उसकी तस्वीर भी जाली बनी थी, और लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी इमरान खान के खिलाफ जो केस था वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ। जो जाली तस्वीर बनी थी उसकी एफ आई आर कहाँ है, और बाकी दीगर मामला भी ऐसे है कि हम देखे हैं कि हुकूमत की जानब से भी कोई नीम तीली से इस पे काम हो रहा है और कोई उन्होंने इस बारे में ज्यादा कोई मेहनत नहीं की। जवान भी पेश हो जाते तो इमरान खान इस सजा से बच नहीं सकते थे। और आप समझते हैं कि सियासी लिहाज से भी अभी मजीद मुश्किलात हैं, एक तो कानूनी पहलू भी है, सियासी पहलू भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जितने केसेस जो बने हुए हैं उनके अंदर अभी मजीद मुश्किलात हैं जो आगे ये सिलसिला रहेगा जारी? देखिए इमरान खान जिस तरीके से आए थे वो हमें सबको मालूम है कि वो अपने मुखालफीन को जेलों में डलवा के केसेस करवा के और किस तरह आरटीएस बिठा के वो इक्तदार में आए थे, उस वक्त तो ये सब कुछ सही था। और अब जब इमरान खान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है तो अगर वो सही था तो ये भी सही है, अगर वो गलत था तो ये गलत भी गलत है, तो इसका तो फैसला अब तारीख करेगी कि क्या सही और क्या गलत है। ठीक है, इसका फैसला तारीख ही करेगी कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत होता रहा माजी के अंदर। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताते चलें कि तोशाखाना की सज़ा मौतल या बरकरार रहने के बावजूद भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ 5 साल के लिए नाअहल ही रहेंगे और किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस में सज़ा मौतल भी कर दे, लेकिन साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार रहेंगे। साइफर केस में गिरफ्तारी के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ तोशाखाना केस में सज़ा मौतल होने के बावजूद भी
जेल में रहेंगे। ये वही नुक्ता है इससे पहले जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज एस टीवी मौसी रजा साहब ने सामने रखा कि इस केस के अंदर सजा मौसल ही हुई है, मगर दीगर जो केसेज हैं चाहे वो साइफर के हवाले से हो, हमने देखा जो सानिया नौ में ही हुआ, जिमन से पहले जो गिरफ्तारी की गई थी वो अभी तक वारंट नैब का उसी तरह बरकरार है, उसकी हैसियत अभी तक उसमें बरकरार है, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है मतलूब हैं। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो भी इसी तरह बरकरार है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अभी आगे चल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजीद मुश्किलात हैं, उन्हें ये कानूनी मैदान के अंदर अपने ये केस लड़ने हैं, मुजामद कानूनी लिहाज से तो करनी है, लेकिन अभी जो फैसला सामने आया है सज़ा मौसल हुई है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। दीगर टीम भी वहाँ के अगर हवाले से जिस तरह हम बात करेंगे 5 साल के लिए नाअहली रहेंगे और किसी सियासी सरगर्मी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट चेयरमैन तहरीक इंसाफ के तोशाखाना केस में सज़ा मौसल भी अगर कर दी जाती तो, लेकिन साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार ही रहेंगे। साइफर केस में गिरफ्तारी के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ तोशाखाना केस में सज़ा मौसल होने के बावजूद जेल में ही रहेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको बताते चलें कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की जानिब से भी जो नुकात सामने रखे गए थे बार बार यही रखे गए थे कि उजलत में फैसला दिया गया है। मोहसिन रजा साहब, ये नुकता बार बार हम ये देखते रहे, जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर भी ये तमाम मामला रहा, लेकिन इसमें जो एक अहम चीज़ है वो मैं चाहूँगा कि कोई भी सियासी जमात होती है वो जजिस को मुतनाज़ बना देते हैं। इस केस के अंदर भी ये हुआ, आज इन्हीं अदालतों से रिलीफ भी मिल रहा है, मगर इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक विलन भी बनाया, एक अपने ऑफिशियल मीडिया कंपेन भी इनके खिलाफ जो है वो अगेंस्ट सोशल मीडिया से चलाई है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि आज का जो फैसला है इस्लामाबाद हाईकोर्ट का, ये भी एक दबाव है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तोशाखाना पे समाप्त के लिए आज तारीख मुकर्रर कर दी, और हम देखते हैं कि तारीख का जबर ये है कि जस्टिस इजाजत हसन जो है इस बेंच के सिवा है, जो कि हमें कहते हमारे नाज़रीन के जहनों को ताज़ा करने के लिए याद दिला दें कि ये नवाज शरीफ के खिलाफ जब M&3 केस था तो उसमें भी ये रेफरी चार्ज मुकर्रर हुए थे, तो और एहतसाब अदालत की ये बिल्कुल मॉडरेटरी भी करते थे, तो और ये जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पे कंपेन चली है, आप देखें कि ऐसी कैंपेन जस्टिस दिलावर हुमायूं के खिलाफ भी चली और उन्होंने अपनी जो था ट्रांसफर के लिए दरख्वास्त दे दी कि उन्हें ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि उनको बहुत थ्रेट्स मिलती हैं और उनके खिलाफ बहुत गर्म चला जा रहा है सोशल मीडिया पे। तो हम देखते हैं कि तहरीके इंसाफ एक दबाव के जरिए और एक ब्लैकमेलिंग के जरिए अदालतों पे जो दबाव डाल रही है, ये सबके सामने है, और इसका जो है उनके ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है, ट्विटर हैंडल है, उससे भी ये बाकायदा कंप्लेन चलाई गई आमिर फारूक के खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनका जमानत पे रिहाई का हुक्म दिया है, और लेकिन ये सजा जो है अभी तक बरकरार है। ठीक है मौसी साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा, हमें अभी ज्वाइन किया है साबिक सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार आरिफ चौधरी साहब ने। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। फैसला आया, सज़ा मौतल हो गई है, इससे पहले भी ये बातें की जा रही थी कि 3 साल की जो सज़ा होती है कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको शॉर्ट ही समझा जाता है, और इसमें सज़ा मौतल या मुमकिन थी, ये बातें पहले से की जा रही थी कि ये हो सकती है, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखो, ये वो फैसला है जिसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसे ये कहा जा सके कि ये दहशत के तहत दिया गया है या कोई ऐसा दबाव था। मामला सीधा सीधा है, क्योंकि ये वो केस है जिसमें सारी चीजें कानून के खिलाफ की गई, फैसला करते हुए नीचे वाली अदालत ने ना तो शहादत रिकॉर्ड की और ना वो क्वेश्चन जो थे जो रेज किए गए थे हाईकोर्ट की तरफ से, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, उनको मद्देनजर रख के दोबारा फैसला किया, बल्कि उसी फैसले को जो पहला फैसला जैसे अमलन मुअत्तल हो चुका था, खत्म हो चुका था हाईकोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, वही दोबारा सुना दिया। तो ऐसी चीज़ें तैयार है, मैं समझता हूँ कि इसके अलावा कोई और बात बनती नहीं थी।
चार सेंटेंस भी थी, केस भी नहीं पता था, सवाल के जवाब भी नहीं थे, शहादत भी नहीं थी, वो कला को सुना भी नहीं दिया, तासब के बारे में भी कह चुका था आरडी लॉयर जो थे वो कह चुके थे कि आप। लेकिन आर साहब, इसमें ये जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला सामने आया, सेशन कोर्ट को जब ये हिदायत की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को की गई कि आप जाएं और आपके जो एतराज़ हैं, नुक्ते एतराज़ हैं, आप जाके वहाँ पर दलाइल मुकम्मल करें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम भी उस वक्त नहीं पहुँची है। 44 बार बुलाया गया, फ़कत 4 बार तलबी होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आते हैं, कितना मौका उनको मज़ीद फ्राहम किया जाता? देखिए मैं आपको बात करूँ कि ये रोज हमारे सामने मामला होते हैं जहाँ अगर वकील नहीं आता उसको फिर बुलाया जाता है, मौका दिया जाता है। आपने इवन हाईकोर्ट में देखा कि वकील साहब जो थे बहस कर भी चुके थे, इसके बावजूद उनकी तरफ से आया कि जनाब वो बीमार हो गए, तो अदालत ने बगैर परवाह किए उनसे वकला की बात के उन्होंने वो 3 दिन तक केस जो था वो बंद भी कर दिया, बल्कि अमली तौर पर तो 4 दिन हो गए आज अजमेर। लेकिन इसमें आरिफ चौधरी साहब, इसमें फ़र्क नहीं है एक इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से सेशन कोर्ट में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को खुद हिदायत की गई थी कि आप जाइए और वहां जाकर अपने दलाइल दें, ये जो आप एग्जांपल दे रहे हैं ये उसके बरक्स नहीं है, तो मामला यहाँ पर दूसरा था, वहाँ तो हिदायत थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट की। इस्लामाबाद की हिदायत थी, लेकिन इस्लामाबाद में वो सारे क्वेश्चन जो थे उनको उन्होंने एड्रेस किया और वो सारे के सारे सवाल जो थे वो उस केस से मुतालिक थे, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो एविडेंस रिकॉर्ड करनी थी उन्होंने। एविडेंस के लिए जो टाइम दिया गया वो 1.5 घंटा था, और वकला ने कहा कि जनाब 1.5 घंटे में वो गवाह नहीं आ सकते, ये गवाह कराची से आने हैं, आप हमें टाइम दे दें, हम कल या परसों गवाह नहीं आएंगे। ये तो आम सी बात होती है, इसमें तो टाइम दे दिया जाता है, और गवाहों के बगैर आप किसी को सजा को नहीं दे सकते। आपने मुद्दत का बयान रिकॉर्ड किया है 342 के तहत, उसने कहा कि मैंने अपनी तरफ से एविडेंस पेश कर दी है, तो फिर आपके ऊपर लाजम है कि आप उसे एविडेंस पेश करने दें। सुप्रीम कोर्ट ने जो इसे देखा तो सत्री तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को गलत इसलिए फैसले को करार दिया, जिस बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि ये केस आगे चल नहीं सकता, अल्टीमेटली सजा गलत हो जाएगी। केस आगे मज़ीद चल सकता है या नहीं चल सकता, इसमें यकीनन अदालतें देखेंगी, बहुत सारे ऐसे नुकात मौजूद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। साबिक सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन साहब, आप कहिएगा, चौधरी साहब ने कुछ नुकात सामने रखे हैं, वो ये समझ रहे हैं अपनी दानिश के मुताबिक कि केस आगे चलता हुआ मुश्किल नज़र आ रहा है, जबकि इसके अंदर बड़ी ठोस और वैलिड चीज़ें हैं, छुपाए गए हैं, गलत हलफनामा दिया गया है, जो चीज़ें FBR के अंदर शो की गई हैं, इलेक्शन कमीशन या असासा जात जो पब्लिक डोमेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस चीज़ को जाहिर नहीं किया। बात यह है कि मैं आरिफ चौधरी साहब की जो राय है वो तो उसका एहतराम करता हूँ, लेकिन PTI के जो मौकफ होता है वो उसका ख्याल है कि चेयरमैन PTI जो है वो हर किस्म के कानून और आइन से बराबर है, उनसे कोई आइन और कानून जो है लागू नहीं होता। और जहाँ तक बात गाँव की थी तो जब उन्होंने एक दिन कहा कि हम गवाह पेश करेंगे और दूसरे दिन उन्होंने कहा कि कराची से गवाह आ रहे हैं, तो एक दिन में कराची से गवाह नहीं आ सकते थे। ये PTI इस केस को आप देखें कि 11 महीने तक भेजती रही और उनकी कोशिश रही कि अदालत में ना पेश हों, और इमरान खान जो थे वो सिर्फ 4 बार 11 माह में अदालत में पेश हुए और उन्होंने हर मुमकिन तरीके से इस केस में वो लटकाने की कोशिश की। ये तो जज हुमायूं दिलावर ने मोहसिन साहब कथा गलामी माफ, हमें अभी टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड शाह उस्मानी साहब ने, उनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आप कहिएगा, सज़ा मौतल हुई है, ऐसे कोई खास रिलीफ तो है नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन फिर भी आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए सज़ा तो मौतल हो गई है, लेकिन जहाँ तक उनकी ना है नहीं है वो तो कन्विक्शन के बेसिस पे थी और वो कन्विक्शन तो सेट असाइड नहीं हुई, तो इस वजह से कन्विक्शन तो अपनी जगह मौजूद है और नाइन बरकरार है, सजा उनकी खत्म हो गई है।
और इसमें आप क्या समझते हैं उस्मानी साहब कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का मौक़िफ़ है कि ये फैसला उजलत में दिया गया है, हमारे गवाहों को जो है वो नहीं सुना गया है, कानूनी तकाजे उस तरह से पूरे नहीं किए गए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जो हिदायत थी उनको भी सेशन कोर्ट ने नहीं माना, आप क्या समझते हैं कानूनी लिहाज से ये कितना केस स्ट्रॉन्ग है या इस हद तक स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मुश्किल खड़ी हो सकती हैं या नहीं खड़ी हो सकती पीटीआई के लिए? देखिए, इसमें जो मानवी बात है कि जो विटनेसेस उनके थे इमरान खान साहब के, उनको पेश नहीं होने दिया गया और इस वजह से ये वो समझते थे कि वो इररिलेवेंट विटनेस, तो इसके मतलब उनकी कोई डिफेंस नहीं थी और उनकी डिफेंस खत्म कर दी गई थी। तो आप किसी अक्यूज्ड को बगैर डिफेंस के जो नहीं सजा दे सकते, तो इस वजह से इस लिहाज से तो ये सही है कि उनकी सजा नहीं होनी चाहिए थी और दोबारा ट्रायल होना चाहिए था, जो नहीं। और अब अगला स्टेप आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले के ये जो फैसला किया गया है सेशन कोर्ट के हवाले से, फिर ये नुक्ता भी सामने आया कि जो तरीक़ाकार ये था कि मजिस्ट्रेट के सामने पहले इन चीज़ों को रखा जाता, जबकि जो वकील इलेक्शन कमीशन थे अमजद परवेज़, उनकी जानिब से कहा कि 50 सालों में ऐसा कोई नहीं हुआ कि इतनी अहम नोयत का जो केस है वो मजिस्ट्रेट से होकर आया हो। आप क्या कहते हैं इस नुक्ते पर? ये सही है, जो कह रहे हैं वो बात सही कह रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जस्टिस रिटायर शायक उस्मानी साहब मौजूद थे, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। कानूनी हवाले से किस तरह ये पेचीदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बन सकती है, नहीं बन सकती है, इसके ऊपर कानूनी माहरीन अपनी अपनी राय भी दे रहे हैं। यकीनन कानूनी लिहाज से जो बिल्कुल जो दलाइल भी दिए गए थे उसके सामने भी यही नुक्ता सामने रखा गया था कि किस तरह से जो सूरत हाल है, आप मजिस्ट्रेट के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला ये कहते रहे, लेकिन वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा जाता रहा कि मजिस्ट्रेट के सामने अहम के जो केसेस हैं 50 साल की अगर हिस्ट्री देखें तो ऐसी सूरत हाल नहीं हुई है। ताहम ऐसी कोई रिलीफ तो नहीं है, बहरहाल सजा एक मौतल की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, दीगर भी बहुत सारे केसेस हैं, इस केस के हवाले से जो सजा है वो भी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई है। अब चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दीगर हैं, उनकी वकला के लिए, उनकी लीगल टीम के लिए कि किस तरह वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का दिफा करते। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।